लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में सियासी पारा हाई है। इस बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान उन्होंने उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर भी वार किया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मैं तो इतना ही कहूंगा कि जनता ने बहुमत की सरकार दी, लेकिन अलोकतांत्रिक तरीके से बेदखल किया गया। ऐसे में ऐसी चीजें होती है जो महाराष्ट्र में हुई। सारी गर्माहट जो नजर आ रही है, अगर 2019 में जनता के मैंडेट को ठुकराया नहीं जाता, हमारी पीठ में अगर खंजर नहीं घोपा जाता, तो शायद ये परिस्थिति नहीं दिखती। बहुत अच्छी स्टेबल सरकार होती, हम वापस आए हैं और स्टेबल गवर्नमेंट दे रहे हैं। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि चुनौतियां तो है ही, पिछले प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मेहनत तो करनी होगी, क्योंकि हमने दोनों ही बार 48 में से 44 सीटें लाई है। उसके आगे बढ़ना है तो बहुत मेहनत करनी होगी। दोनों बार के प्रदर्शन से हम नीचे नहीं आएंगे, आगे जाएंगे या वहीं पर रहेंगे, लेकिन नीचे नहीं आएंगे। एनसीपी और शिवसेना में टूट और अशोक चौहान के बीजेपी में जाने के सवाल पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बहुत कुछ बाकी है। मेरा कहना है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारी सरकार बेहतर काम कर रही है, शिंदे सरकार अच्छे से काम कर रही है। शरद पवार को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि हमने शरद पवार से बातचीत की। शरद पवार ने गठबंधन को लेकर हामी भरी, अजीत पवार को नामित किया। अजीत पवार के साथ हमने सारी बातें फाइनल की। जो चीजें फाइनल हुई, उसको पूरे तरीके से मैंडेट शरद पवार ने दिया, पर पता नहीं क्यों शरद पवार अंतिम वक्त पर वापस हो गए। उस समय अजीत पवार ने भूमिका ली, इस प्रकार मुझे आगे करके आपने सारी चीजें तय की और एंड वक्त पर आप बैकआउट हो रहे हैं, इस प्रकार का विश्वासघात मैं नहीं कर सकता।